फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एंजल गार्डन। आज मैं बल्ब लगाने जा रही हूँ, तो अगर आपने नहीं ग्रो किया है तो इस मंथ में भी ग्रो कर लीजिए। बल्ब आप देख रहे हैं, ये है ग्लैडियोलस, बहुत ही खूबसूरत इनमें फूल आते हैं। इनमें कलर वैराइटीज़ आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो मैं 10 बल्ब लाई हूँ, तो इन्हें ग्रो करने वाली हूँ। अगर आपने नहीं लगाया है तो इस मंथ में भी लगा देंगे, अभी भी टाइम है इन्हें ग्रो करने का। वैसे तो अक्टूबर में ही लगा देते हैं तो हमारे प्लांट तैयार हो जाते हैं जल्दी से, इनमें फ्लावर्स भी आने लगते हैं, लेकिन मैं थोड़े से लेट में लगा रही हूँ। और इनके लिए बिल्कुल वेल्ड्रन सॉइल लिया है, एक हिस्सा मिट्टी लिया है और डेढ़ हिस्सा खाद लिया है, और आधे हिस्से में रिवर सैंड जिन्हें रेत कहते हैं। और इनमें कुछ मैंने थोड़े से नीम खली मिला लिया है। तो इन सभी को मिक्स करके मैंने बिल्कुल सॉफ्ट मिट्टी तैयार किया है। और ये बिल्कुल बड़े से प्लास्टिक के टब है जिनमें मैंने होल कर दिया है, लेकिन खूब बड़े से हैं। 10 बल्ब मैं इनमें ग्रो करने जा रही हूँ। और कौन कौन से कलर हैं अभी तो मैं नहीं जानती हूँ। तो देखिए, नीचे मैंने होल किया हुआ था तो कुछ पत्तियाँ रख दिया है, और ऊपर से देखिए थोड़े से मिट्टी लिया है। और लगाना कैसे है ये आप देख रहे हैं, इधर का हिस्सा आपको नीचे मिट्टी की तरफ देना है और ऊपर जो आप स्प्राउटिंग देख रहे हैं वो ऊपर करना है। ज़्यादा मिट्टी डालना नहीं है, थोड़े से मिट्टी डालिएगा ताकि जो स्प्राउटिंग है वो थोड़े से ऊपर ऊपर रहे, तो अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। तो देखिए ये ऊपर है स्प्राउटिंग, और थोड़े से मिट्टी में ऊपर से डाल दूंगी, ज़्यादा मिट्टी नहीं दूंगी। तो देखिए यहाँ पे स्प्राउटिंग मैंने थोड़े से ऊपर कर दिया है और मिट्टी डाल दिया है। अब मैं वाटरिंग करके इन्हें ऐसी जगह पे रखूँगी जहाँ आधे से एक घंटे की धूप लगे, वहीं पे इन्हें मैं वाटरिंग करके रख दूँगी। तो देखिए मैंने वाटरिंग कर दिया है। अगर ये बल्ब आप लगाना चाहते हैं तो ऑनलाइन मिलते हैं, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, वरना जहाँ पे जो प्लांट मिलते हैं और खाद वगैरह मिलते हैं, सीड्स वगैरह मिलते हैं, वहीं पे ये बल्ब मिल जाते हैं। तो देखिए 2 बल्ब मैं ऑलरेडी लगा चुकी हूँ पहले का, और कुछ मैंने सीडलिंग भी किया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत इनमें फ्लावर्स आते हैं, बंच में फ्लावर्स आते हैं, तो लगाइए इन्हें। आगे मैं और भी वीडियो आपको दिखाती रहूँगी जैसे जैसे ये बड़े होंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने कॉस्मोस सीडलिंग किया है, कॉस्मोस का अगर सीडलिंग करना है तो वो भी आप सीडलिंग कर सकते हैं। और वाटरिंग तभी कीजिएगा जब मिट्टी हल्की हल्की सूख जाए, तभी वाटरिंग कीजिएगा, ओवर वाटरिंग बिल्कुल मत कीजिएगा। ज़्यादा पानी देंगे तो बल्ब गल भी सकते हैं, या फिर आप सीडलिंग किए हैं तो वो सीडलिंग आपके ख़राब भी हो जाएंगे, तो ज़्यादा पानी मत दीजिएगा। मिट्टी हल्की सी सूख जाए ऊपर की लेयर की, तभी पानी दीजिएगा। और देखिए प्लांट अच्छे से निकल चुके हैं, तो अब ये फूल धूप में प्लांट में रहते हैं। तो इस तरह से अगर प्लांट निकल जाए तो फूल धूप में रख दीजिए। और मिट्टी में मैंने ऑलरेडी डेढ़ हिस्सा खाद दिया है, तो अभी मैं 20-25 दिन तक बिल्कुल इन्हें खाद नहीं दूंगी, तो ऐसा ही करना है। तो 20-25 दिन के बाद खाद दीजिएगा, और जब प्लांट अच्छे से निकल जाए तो हर 15 दिन पे इन्हें खाद देते रहिएगा। वर्मी कंपोस्ट या फिर काउडंग कंपोस्ट का लिक्विड तैयार करके दीजिएगा, तो ये 2-3 महीने में फ्लावरिंग करने लगेंगे। बहुत ही खूबसूरत इनमें फ्लावर्स आते हैं, मैंने बताया ही, इनमें कलर वैराइटीज़ आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो आगे मैं केयर के बारे में बताती रहूँगी। तो होप करती हूँ वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बाजू में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ, नमस्कार।